मोदी का दौरे हुक्मरानी, भारतीय फौज बार बार अपनी मौत को दावत देने लगी। सुबह 4 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर फायर खोल दिए। पाक फौज के बहादुर जवानों का 2 कदम आगे बढ़कर एक्शन, दुश्मन बिलों में छुप गए। भारत के पाकिस्तान पर सात समंदर पार भी बेचैनी की लहर उठने लगी। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी खत्म करने का मशवरा। अमेरिकी महकमा खारजा के दायर तर्जुमान मार्क टोनर ने कहा है कि दोनों ममालिक की फौज में राबते जरूरी हैं। भारत की हरकतों पर अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल परेशान, बान की मून ने सालसी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मलीहा लोधी की बान की मून से मुलाकात, भारत की जारहियत के बारे में बता दिया। क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? पाकिस्तानी फनकारों से इतनी मोहब्बत है तो पाकिस्तान चले जाओ। बॉलीवुड के सुल्तान पर इंतहा पसंदों का धमकियों का वार, शिवसेना विलन बनकर सलमान खान के सामने आ गई। अब जलसा नहीं, दमादम मस्त कलंदर होगा। कप्तान ने वजीर आजम को फाइनल डेडलाइन दे दी। नवाज शरीफ खुद को एहतसाब के लिए पेश करें वरना इस्लामाबाद बंद कर देंगे। इमरान खान का रायवन में बड़े जलसे से जारहाना खिताब, मोदी को भी खरी खरी सुना डाली। अड्डा प्लॉट पर तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद सफाई का काम मुकम्मल, फ्लेक्सिस उतार दी गयी, बंद सड़कों को भी खोल दिया गया। उधर 27 सितंबर से पकड़े गए कंटेनर्स मालिकान को वापस ना मिल सके। सियासी मामलात पर इख्तलाफात लेकिन कौमी सलामती पर सब यक जबान। तहरीक इंसाफ का वजीर आजम के बुलाए गए पार्टी सरबराहान के इजलास में शिरकत करने का फैसला। कप्तान ने शाह महमूद कुरैशी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल नंबर प्लेट पर पाबंदी का फैसला होगा। इन्हें शीशा, गुटखा और मैनपुरी पर भी पाबंदी लगा दी। ना जाने मेरे जेल में रहने से किसको फायदा हो रहा है। मेयर कराची ने दिल का दुखड़ा बयान कर दिया। कहते हैं मुल्क में इस्तादे दहशतगर्दी की दफात का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बाद वनडे में भी जबरदस्त फतह, वेस्ट इंडीज को 111 रन से शिकस्त दे दी। शाहीनों का मोराल आसमान छूने लगा। खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी ने सिफर पर आउट होने वाले अजहर अली का भी हौसला बढ़ा दिया। कप्तान वनडे में भी क्लीन स्वीप के लिए पुराज़म। इस्लामाबाद में तनौल के इलाके में पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों का सर्च ऑपरेशन, 8 अफगानों समेत 49 मशकूक अफराद गिरफ्तार, भारी असलहे पर पाबंदी। नौकरी से क्यों निकाला, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का मुलाजिम खुदकुशी के लिए टैंकी पर चढ़ गया। इंतजामिया ने मिन्नत समाजत करके मौसूफ को नीचे उतारा। लाहौर में ब्राइडल वीक अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ खत्म हो गया। आखिरी रोज जदीद मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके मॉडल्स के रैंप पर जलवे, शो को 4 चांद लगा दिए।